और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो कि झारखंड से है। झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले यहां बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है और ये खेल शुरू किया है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। जी हां, थोड़ी देर में चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पाला बदल सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेएमएम के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम चंपई सोरेन हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। चंपई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन अपने साथ तीन विधायकों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। ये तीन विधायक भी चंपई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम के पूर्व विधायक लोबिन हेब्रम के जरिए बीजेपी के संपर्क में है और अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनका जो विमान है वो लैंड कर चुका है और थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल चंपई सोरेन एक बड़ा झटका दे सकते हैं हेमंत सोरेन को। ऐसी अटकलें बहुत तेज हो गई हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, चंपई सोरेन के सामने क्या मुश्किलें हैं, उनकी नाराजगी क्या है, ये तो स्पष्ट है। अब इसे बीजेपी के लिहाज से अगर आप समझाएं तो बीजेपी के लिए चंपई सोरेन जरूरी क्यों है? और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि चुनाव से पहले अगर जेएमएम के न सिर्फ चंपई सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो समझा जा सकता है कि एक स्ट्रेचर तो हो ही जाता है। सात बार के वो लगातार विधायक हैं सरायकेला से, तो वो एक स्ट्रेचर है। तो वो व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ रहा है और उनके साथ कुछ और विधायक जैसे जिन नामों को लेकर चर्चा है, हालांकि आज वो सारे नाम साथ नहीं है, सिर्फ समीर मोहंती इनके साथ हैं जो कि बहरागोड़ा के विधायक हैं, लेकिन इसके अलावा जो नाराज विधायक बताए जा रहे हैं उसमें जैसे चमरा लिंडा की आप बात कर लें वो हैं, रामदास मोहंती हैं, हालांकि रामदास मोहंती आज अपने मुसाबनी विधानसभा क्षेत्र में ही हैं, लेकिन ऐसे चार पांच विधायक और हैं जो कि नाराज हैं। लोबिन हेम्ब्रम जिनकी सदस्यता ऑलरेडी रद्द की जा चुकी है और उनका मामला भी हाईकोर्ट में है, तो वो जेएमएम से उनको निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन उनके वो सूत्रधार रहे और उसके द्वारा जेएमएम के जो नाराज लोग हैं अगर वो छोड़ते हैं जेएमएम और बीजेपी में शामिल होते हैं तो समझा जा सकता है कि चुनाव से पहले एक माहौल ख़राब होता है। हालांकि इसमें यह भी ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि चंपई सोरेन के आने से कोई आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जेएमएम के हिसाब से आज भी जो नाम है वो नाम यही है कि गुरुजी या फिर उन गुरुजी के बेटे हेमंत सोरेन, लेकिन फिर भी पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए सात बार का विधायक इनकी अच्छी छवि रही हो और उनके साथ कुछ और विधायक अगर छोड़ रहे हैं तो पार्टी को बड़ा झटका तो लगता ही है, खासतौर पर तब जब चुनावी साल में हो और इसी लिहाज से बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हालांकि एक टॉप लीडर ने अभी हमें बताया था कि बातचीत चल रही है लेकिन फाइनल स्टेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज ही आ रहे हैं तो आज ही का आज ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और उस लिहाज से दिल्ली में जो बातचीत होगी, जो मुलाकात होगी, उसके बाद वो चंपई सोरेन फिर क्या कुछ कह पाते हैं, क्योंकि कल जो चंपई सोरेन से लोबिन हेम्ब्रम की बातचीत हुई थी उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। उसके बाद वो कोलकाता गए, कोलकाता में बंगाल बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी बातचीत हुई थी और उसके बाद वो दिल्ली आ रहे हैं। समझा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी अगर बातचीत कर रहे हैं तो भले ही झारखंड के मामले में उनका कोई सीधा दखल ना हो, लेकिन दिल्ली में जो टॉप बीजेपी लीडरशिप है उनके साथ सीधे उनका कम्युनिकेशन रहता है और उनके एश्योरेंस के बाद वो दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ आकर चंपई सोरेन अपनी बात कहेंगे और फिर उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती है। बातचीत हो रही है और एडवांस स्टेज में है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बातचीत हो रही है और अगर इसका पॉजिटिव नतीजा निकलता है देवेंद्र, तो बीजेपी एडजस्ट कैसे करेगी? इतने बड़े नेता अगर आप लेकर आ रहे हैं, पूर्व सीएम हैं, सात बार के विधायक हैं, जैसा आप ही जानकारी दे रहे हैं, ऑलरेडी बीजेपी के पास बड़े नेता हैं झारखंड में, तो ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, कैसे रजामंदी होगी नेताओं के बीच में? सरायकेला से फिर उनको विधानसभा लड़ाया जाएगा और उसके बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर उसके बाद मंत्री बनाया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं हो सकता, लेकिन एक ऑलरेडी बीजेपी के वहाँ पे कैंडिडेट हैं जिनको इन्होंने पिछली बार हराया था, लेकिन इस बार इस बात को लेकर बीजेपी के भीतर रणनीति बनाई जा रही थी कि कुछ बड़े चेहरों को विधानसभा लड़ाया जाए और उनमें अर्जुन मुंडा सरायकेला से चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर अर्जुन मुंडा सरायकेला से विधानसभा चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पे चंपई सोरेन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी और शायद ये भी एक फैक्टर रहा हो कि चंपई सोरेन के साथ बीजेपी की बातचीत इस लेवल पर चल रही है। और दूसरी चीज़ कि चंपई सोरेन की नाराज़गी हेमंत सोरेन से है, अब ये जेएमएम में इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है और ये बात छिपी हुई नहीं है। हालांकि चंपई सोरेन पहले 10 अगस्त को आने वाले थे और उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 14 या 15 अगस्त को बहुत ज़्यादा झारखंड में हवा उड़ी कि वो चले गए हैं, तो उस बात को उन्होंने खारिज किया, लेकिन हेमंत सोरेन हो या चंपई सोरेन दोनों ये जानते हैं कि डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अब यहाँ पर चंपई सोरेन शायद अगला कदम उठा लें। इनमें जो जिन नाराज विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे समीर मोहंती की जो कि आज साथ आ रहे हैं, समीर मोहंती से भी अगर आप बातचीत कीजिए तो सीधे यही कहेंगे कि गुरुजी उनके नेता हैं,
मतलब शिबू सोरेन को लेके रेस्पेक्ट में या इन सारी चीज़ों में कोई कमी नहीं होती, हेमंत सोरेन को लेके कई बार इन लोगों की नाराज़गी रहती है। अब वो नाराज़गी क्या इस कदर रहेगी कि हाँ बीजेपी के साथ उनकी बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच जाए, और क्या बीजेपी उन सारे लोगों को अपनी सीटें दे देगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट भारी भी पड़ता रहा है बीजेपी को। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात है कि चंपई सोरेन का अगला मूव क्या होता है, किन नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। सोनू, आपके पास आ रही हूँ, आप बताइए जरा कुछ हलचल बड़ी एयरपोर्ट पर, कितनी देर में चंपई सोरेन हमें तस्वीरों में नजर आने लगेंगे एयरपोर्ट से? देखिए अभी तक जो है चंपई सोरेन बाहर नहीं आए हैं, अभी फ्लाइट हालांकि उनकी काफ़ी देर हो गई है लैंड किए हुए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। तकरीबन 12:10 के आसपास जो है उनकी फ्लाइट लैंड की थी, तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय हो चुका है, लेकिन इंतज़ार हम भी तमाम लोग कर रहे हैं कि बाहर आए तो उनसे बातचीत हो कि आखिर उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। हालांकि उनकी बोलने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब भी कोई बड़ा नेता जो है किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा होता है तो वो ज्वाइन करने से पहले जो है चीज़ों को लेकर बोलने से बचता है, तो उम्मीदें कम हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आज का दिन और कल का दिन बेहद अहम हो सकता है, जिसमें उनकी कई नेताओं से मुलाकात हो सकती है। फिलहाल अभी तक ये दरवाजा चंपई सोरेन के लिए नहीं खुला है, क्योंकि ये जैसे ही खुलेगा तो चंपई सोरेन जो हैं इसी गेट से बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर उनके साथ साथ कौन कौन है, कौन कौन विधायक हैं, या फिर कौन कौन और दूसरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं जो कि उनके साथ जो है दिल्ली पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा इंतजार और करना होगा। चंपई सोरेन की जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। इसके बाद वो कहां जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, किन नेताओं से मुलाकात करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। देवेंद्र, चंपई सोरेन के कद के बारे में हम बात कर रहे हैं, बीजेपी क्यों उनको ले सकती है और वो क्यों बीजेपी में जा सकते हैं, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया। अब अगर इसे जेएमएम के लिहाज से देखें तो एक बड़ा झटका है चंपई सोरेन का हाथ से निकल जाना, क्या इसे मैनेज करने की कोशिश नहीं की गई, क्या इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश नहीं की गई? अब बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप समझ सकती हैं कि मुख्यमंत्री को जब पद से हटाया गया, फरवरी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, और जुलाई में जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो अगर मुख्यमंत्री के पद से अकारण आप हटाते हैं तो समझा जा सकता है कि वो नाराजगी ऐसी है जिसको बहुत आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। दूसरी बड़ी वजह ये हो गई कि जो उनके करीबी अधिकारी थे, जो कि उनके शासन के दरमियान सरकार में प्रभावशाली थे, उन्हें भी हेमंत सोरेन ने किनारे कर दिया। तो इससे मैसेज तो सीधे यही आता है कि आपको चंपई सोरेन से बड़ी समस्या हो गई थी और अविश्वास की समस्या थी, जिसके चलते इस काम को किया जा रहा है। वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि खाई कितनी चौड़ी होती जा रही है। हेमंत सोरेन के लिहाज से अगर आप बात करें, चंपई सोरेन का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल एक तरह से बहुत प्रभावशाली माना जाने लगा था, और ये चिंता हेमंत सोरेन को खा रही थी कि अगर ऐसा चुनाव तक रहा और चुनाव के बाद अगर बाई चांस जेएमएम जीत के आती है तो ऐसे में चंपई सोरेन को तब हटाना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने समय रहते इस काम को किया और उसके बाद डिफरेंसेस दूर करने की बहुत कोशिश नहीं की गई। बयानों के मार्फत जरूर यह कहा गया कि नहीं, वो तो पार्टी में ही हैं, कहीं वो नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन से दो दिन पहले भी पूछा गया था, चंपई सोरेन से भी जब पूछा गया था तो सीधे सीधे उन्होंने खारिज नहीं किया, सिर्फ ये कहा था कि मैं तो आपके सामने हूँ। इसके अलावा जेएमएम को जो दूसरे नाराज विधायक हैं, चाहे दशरथ गागराई की बात कर लें, चमरा लिंडा की बात कर लें, समीर मोहंती की बात कर लें, ये लोग भी अपनी नाराजगी दिखाते रहे, लेकिन पार्टी के टॉप लीडर शिबू सोरेन के साथ आस्था दिखाते हुए। तो अंदर खाने वो नाराजगी पनपती रही है, अब उसका प्रस्फुटन नजर आ रहा है। ठीक है, और जैसा आप बता रहे हैं कि नेताओं ने अपने बयानों से कुछ जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन अटकलें जरूर झारखंड की सियासत में तैरती रही। अब देखिए, कल ही चंपई सोरेन से पत्रकारों ने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि आप बीजेपी में क्या शामिल हो रहे हैं। इन खबरों पर चंपई सोरेन ने कैसे जवाब दिया और क्या कहा? खारिज तो नहीं कहा, यह जरूर कहा कि वो जहां हैं वहीं पर सही हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार आपको सुनवाते हैं। आप क्या रिमार्क फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने, अगर आपके हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है, सच या झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं नहीं, अभी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं, तो किस विषय भाजपा में जाने की खबरें उड़ रही है, अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं? हमको हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया,
मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। अब देवेंद्र, नेता स्पष्ट तौर पर बयानों के जरिए तो अपने अगले मूव के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और खासकर चंपाई सोरेन के चेहरे की जो मुस्कुराहट है और गोलमोल शब्दों को घुमाने की जो कला है, वो तो इस तरफ इशारा कर रही है कि बात तो बन रही है और कुछ तो पक रहा है। प्राची, जितना स्पष्ट तरीके से वो बता सकते थे उन्होंने बताया, जिन सीमाओं और मर्यादाओं के तहत वो बता सकते थे उन्होंने बता दिया। जैसे उनका ये कहना कि उनको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसका सीधा मतलब ये समझिए कि बीजेपी ने क्योंकि अभी फाइनल एश्योरेंस नहीं दिया है, वो इसलिए बताने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर जेएमएम नहीं छोड़ना रहता और बीजेपी ज्वाइन नहीं करना होता तो बहुत आसानी से दो टूक शब्दों में ये कह सकते थे कि मैं जेएमएम किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, जेएमएम का सदस्य आजीवन बना रहूंगा, इस तरह की बात वो कह के तुरंत ही उस बात को खारिज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो समझ सकते हैं आप कि बयानों के मार्फत उन्होंने जिन सीमाओं के तहत वो जितना बता सकते थे उन्होंने बता दिया है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि बातचीत एडवांस स्टेज में है, फाइनल स्टेज में नहीं है, यानी कि अभी सीधे सीधे ज्वाइनिंग वाली स्थिति नहीं आ गई है, और वो इस लिहाज से कि जब तक टॉप लीडर्स के साथ आप बैठ के एश्योरेंस ना ले लें तब तक इस काम को नहीं किया जाता है। जब एक बार बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी आमने सामने बैठ के और उसमें ये कह दिया जाएगा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा या जो भी प्लानिंग हो, जो शर्त हो, जो एश्योरेंस वो चाह रहे हो, जो टॉप लीडरशिप के द्वारा वो एश्योरेंस दे दिया जाता है, उसके बाद माना जाता है कि हाँ ये बात होगा और फिर पाला बदलने का गेम चलता है। इस स्टेज तक बातचीत तो आ ही गई है कि वो दिल्ली आ रहे हैं, हालांकि झारखंड के जो चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी आज दिल्ली नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह के बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं कि आज वो अहमदाबाद में हैं। इसके अलावा संगठन के जो चुनाव प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो भी आज दिल्ली में नहीं है, हालांकि वो नज़दीक ही हैं, वो तो कभी भी कुछ घंटे के स्तर पर आ सकते हैं। ऐसे में आज उनकी मुलाकात किस लेवल पर होती है, क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी, और कल निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा कि पहले प्राची मैंने आपको बताया था कि पहले की उनकी प्लानिंग ये थी कि 10 अगस्त को दिल्ली आएंगे, उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ उनकी बातचीत होगी। और जैसा कि बार बार हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि इस पूरे मामले के जो सूत्रधार हैं, की पर्सन हैं, वो लोबिन हेम्ब्रम हैं। लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता वहाँ पर रद्द की गई थी, अभी हाईकोर्ट में उन्होंने चुनौती दे रखी है, जेएमएम से उनको निष्कासित भी कर दिया गया है, और उसके बाद उन्होंने जो जो नाराज विधायक हैं उनको रीच आउट करना शुरू किया। कम से कम 5 से 6 नाराज विधायक तो अभी ऐसे हैं जो कि जेएमएम के नेतृत्व से अभी नाराज चल रहे हैं। कौन कितना स्तर तक जाके कदम उठाएगा ये देखने वाली बात होगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए अगर देवेंद्र से झारखंड के लिहाज से समझें तो जो चंपाई सोरेन के बारे में जानकारी है या जो चंपाई सोरेन के बारे में चर्चा होती है वो कोल्हान रीजन को लेकर होती है। 14 सीटें हैं, पिछली बार 11 सीटें विधानसभा के चुनावों में जेएमएम ने जीती थी, कुल 3 सीटें बीजेपी हासिल कर पाई थी। तो ये रीजन अगर चंपाई सोरेन आते हैं बीजेपी के साथ तो क्या कुछ आसान हो जाएगा, राहें आसान हो जाएंगी बीजेपी के लिए? परसेप्शन के लिहाज से निश्चित तौर पर पाजी इसमें कोई दो राय नहीं कि परसेप्शन के लिहाज से एक अच्छा मैसेज आएगा। हालांकि चंपाई सोरेन पूरे कोल्हान के नेता हों या आदिवासियों में कोई उनका बहुत बड़ा जनाधार हो ऐसा नहीं है, जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इस लिहाज से ही बनाया गया था कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बेहद भरोसेमंद रहे हैं, 7वीं बार के विधायक हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं और अपेक्षाकृत ईमानदार छवि के नेता के तौर पे वहाँ जाने जाते रहे हैं। तो उस लिहाज से बहुत आसान विकल्प था हेमंत सोरेन के लिए, जब उनको परिवार में कल्पना सोरेन को लेकर नाम पे सहमति नहीं बनी तो दूसरे विकल्प के तौर पे उन्होंने चंपाई सोरेन के नाम का चयन कर लिया। लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है, जैसे बिहार में आप देखें तो जीतन राम मांझी के केस में हुआ था कि नीतीश कुमार ने वो फैसला किया, बाद में उस फैसले पर खुद रिग्रेट करने लगे थे। चंपाई सोरेन के मामले में ऐसा ही हुआ कि फैसला तो ले लिया गया लेकिन जैसे जैसे चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी छवि को मजबूत करते गए वैसे वैसे हेमंत सोरेन के अंदर समस्या शुरू हो गई, और हेमंत सोरेन के जो गुट के जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से कहते हैं कि कान भरना शुरू कर दिया था, और उसके बाद जैसे ही वो जेल से बाहर आए उन्होंने वापस मुख्यमंत्री की गद्दी ली और वहीं से चंपाई सोरेन की नाराजगी शुरू हो गई जो कि अब इस लेवल तक आ गई है। तो शिबू सोरेन के यानी कि पूरे परिवार के भरोसेमंद हैं, यही उनके फेवर में गया था जब मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका नाम आगे बढ़ाया गया था। एकाएक उनका मोह भंग हो रहा है, रिश्ते कैसे खराब हुए वो तो हम सबने देखा। अगर इसे जेएमएम के लिहाज से देवेंद्र आप समझाएं तो ये कितना बड़ा झटका हो सकता है या कितना नुकसान जेएमएम को भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में?
और परसेप्शन के लिहाज से एक बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको रोक रही हूँ देवेंद्र, चंपई सोरेन अब तस्वीरों में नजर आने लगे हैं, यानी कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। अब चंपई सोरेन का अगला मूव क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। सोनू आप बताइए क्या देख पा रहे हैं आप, कौन है चंपई सोरेन के साथ और लोग? चलिए सोनू तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जिनकी नाराजगी की खबरें झारखंड की सियासत में तैरती हुई नजर आ रही थी। साफ तौर पर जो दूरियां थी हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच में वो नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एक खाई पैदा हुई वो खाई लगातार बढ़ती चली गई। बहुत ज्यादा कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से भी नहीं की गई चंपई सोरेन को मनाने के लिए या उनकी नाराजगी दूर करने के लिए, और इसी का आप कह सकते हैं कि फायदा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक चंपई सोरेन की बातचीत शुरू होती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ये जो बातचीत है ये अब काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, चंपई सोरेन के साथ क्या फॉर्मूला तय होगा, चंपई सोरेन दिल्ली आए हैं, किन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह नहीं है दिल्ली में, ऐसे में चंपई सोरेन की मुलाकात किन नेताओं से होगी देखना दिलचस्प है। सुनिए जरा क्या बोलते हैं। अरे बोलने दो यार। सर एक सेकंड, सर आप दिल्ली आए हैं, क्या मकसद है? खबर ये है कि आप बीजेपी ज्वाइन करने की आपकी खबरें आ रही है, क्या कहेंगे? जी सर माइक नीचे। जी सर बोलिए। सर बोलिए। देखिए अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। एक मिनट चुप। जी सर, जी सर, हमारा बच्ची रहता है उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है, आज भी हम आए हैं। आपके भाजपा में शामिल वहाँ क्या कुछ बात है कलकत्ता में बीजेपी के? देखिए अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है, अभी आप झारखंड में बोलने दे, वही बोलने दे यार, वही बोलने दे। चलो जी। जी सर अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी, है ना, और अपना निजी काम में हम दिल्ली आए। लेकिन सर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप? देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है यार। लेकिन मुख्यमंत्री पद से, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक नाराज थे कि परिवारवाद को खत्म करके चंपई सोरेन आ गए हैं, अब उन्हें हटाया जा रहा है, बड़े नेता हैं आदिवासी। सर एक बड़े नेता है आप, आदिवासी, आपको हटाया गया, क्या आपकी नाराजगी है हेमंत सोरेन से या जेएमएम से? आपको लगता है कि नहीं हटाना चाहिए था, चुनाव आपके उसमें होना चाहिए था? जी सर आप लोग जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल, हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई साहब कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी ये? नहीं हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम है हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप गए, कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम, वहाँ क्यों गए थे आप बताया? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। एक सवाल, क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहेंगे या आगे की बात हो सकती है? आप कह रहे क्या रहेंगे कि ये सवाल है, आप ऐसे ही सवाल करता है भाई, हम बोल दे जहाँ पर है वहीं पर हम है। अब देखिए चंपई सोरेन ये तो कह रहे हैं, जो उन्होंने कल कहा था कि मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा, लेकिन उनके बयान में जो एक गौर करने वाली बात यह है कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी नाराजगी है क्या जेएमएम से, आपको मुख्यमंत्री पद से हटाया, परिवारवाद को आगे एक बार फिर हेमंत सोरेन ने किया, लोग ये चाहते थे, आपके समर्थक ये चाहते थे कि आपके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हो, उसके बावजूद आपको हटा दिया गया, तो इस सवाल पर चंपई सोरेन ने कुछ बोला नहीं, खारिज नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने निजी काम से आया हूं, मैं जहां हूं मैं वहीं पर हूं,
ये सब अफवाहें हैं, ये सब तो जरूर चंपाई सोरेन कह रहे थे, लेकिन नाराजगी की खबरों को चंपाई सोरेन ने खारिज नहीं किया है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इसी से आप अटकलें लगा सकते हैं कि चंपाई सोरेन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है या झारखंड की सियासत में कौन सी खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। देवेंद्र, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, कुछ वैसी ही बातें अभी चंपाई सोरेन कह रहे हैं, जहां हूं वहीं रहूंगा, वहीं हूं, ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन नाराजगी की खबरों को खारिज नहीं कर रहे हैं चंपाई सोरेन। नहीं प्राची, अगर ठीक तरीके से उनके बयान को आप सुने तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वहीं रहूंगा, उन्होंने कहा कि जहां हैं वहीं हैं। आगे उनसे स्पेसिफिक पूछा ही नहीं गया कि क्या जेएमएम में बने रहिएगा, इस बात को नहीं पूछा गया। तो वहीं हैं तो सबको पता है कि अभी वो जेएमएम में ही हैं, जब तक बीजेपी में ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक वो जेएमएम में ही हैं, जेएमएम में रहेंगे, पहली बात तो ये उन्होंने नहीं कही। और दूसरी बात कि नाराजगी की बात को एक शब्द में वो खारिज कर सकते थे कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, उस बात को भी उन्होंने खारिज नहीं किया। तीसरी चीज़ कि ये कोई अटकलबाजी नहीं है बल्कि ये फैक्ट है, फैक्ट में समस्या सिर्फ ये है कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अदरवाइज ये फैक्ट है कि वो नाराज हैं, ये फैक्ट है कि उनकी बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत चल रही है, ये भी फैक्ट है कि बातचीत फाइनल स्टेज में नहीं है, एडवांस स्टेज में जरूर है, जिसके चलते वो दिल्ली आए हैं। और दिल्ली आने का उनका मकसद निजी मुलाकात कतई नहीं है, इस बार के दिल्ली आने का उनका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्पस है। और इससे पहले कोलकाता में भी जब शुभेंदु अधिकारी से कोलकाता के एक नामचीन होटल में जो मुलाकात हुई थी उस बातचीत में भी वो राजनीतिक बातचीत ही थी। तो चंपाई सोरेन की नाराजगी, जैसा कि पहले मैंने कहा था कि कहां तक जाती है, सिर्फ ये देखने वाली बात होती है कि क्या बीजेपी से उनको वो एश्योरेंस मिल पाता है जो वो चाहते हैं, या बीजेपी उनकी शर्तों को मंजूर कर पाती है, क्योंकि सिर्फ वो नहीं बल्कि उनके साथ 4-5 विधायक और भी लाइन में हैं जो कि वहाँ पे नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में उन सारे लोगों को अगर बीजेपी ज्वाइन कराना चाहेगी तो वो एकोमोडेशन, वो एश्योरेंस भी एक बात होगी, जिसके चलते शायद अभी ये वक्त लग रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जेएमएम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, देखना सिर्फ ये होगा कि क्या वो इसे कंट्रोल कर पाते हैं या फिर जाने देते हैं। हेमंत सोरेन की तरफ से अभी तक चंपाई सोरेन की नाराजगी को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास किया गया हो ऐसा दिखा नहीं। ठीक है, चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और जैसा कि चंपाई सोरेन ने कहा, अगर आप उसे रिकॉर्ड करेंगे तो वो कह रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं पर हूं, लेकिन आगे नाराजगी की खबरों को वो खारिज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि चंपाई सोरेन के दिल्ली आने का मकसद क्या है।